जी विकलांग है, पैर से, दाहिना पैर से विकलांग है। तो मैं सोचा कि एक ऐसा चीज बनाऊं ताकि मुझे आने जाने में, सोचा कि पब्लिक के लिए भी बनाऊंगा। तो पब्लिक विश्वास नहीं करती थी मैं उनको। घर की अभी स्थिति क्या है? अभी घर की स्थिति तो अभी कमजोर है, लेकिन ये तो चाबी है। अच्छा, तो ये क्या है? ये वाला क्या है? ये है फुल अप बैटरी। जब ये साइकिल का आविष्कार किए तो क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ा आपको? परेशानियां तो पहले तो दिन में काम करता था और रात में आके दिमाग लगाता, रात भर इसमें मेहनत करते थे। और लोगों को जिस समय लोग बोलते थे कि साइकिल आप बनाइएगा, इलेक्ट्रिक साइकिल बनाइएगा, उस समय आप हो सकता कि मजाक बहुत सारे लोग, बहुत मजाक होता था, गांव के लोग भी मजाक करते, मजाक उड़ाते थे कि क्या बनाएगा। इस वक्त हम जहानाबाद में मौजूद है, जिस जो है यह क्षेत्र है यह बाजार टाली है, और मेरे सामने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक साइकिल है। और देखिए इसमें हर सभी फीचर है, लाइट भी है, देखिए लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, सिटी भी है, और सामने जो इसके आविष्कार किए हैं वो मौजूद है। चलिए इन्हीं से बात करेंगे आखिर क्या जरूरत पड़ा, कि कैसे कैसे आखिर इस साइकिल का, इलेक्ट्रिक साइकिल का आविष्कार किए हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विश्वकांत निराला है। अच्छा, कैसे क्या सोच कर इस साइकिल का आविष्कार किए हैं? मैं सोच रहा, मैं जब परीक्षा देने जाता था तो वहाँ हमको बहुत परेशानी होती थी, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा चीज बनाएंगे। आप विकलांग है? जी विकलांग है, पैर से, दाहिना पैर से विकलांग है। तो मैं सोचा कि एक ऐसा चीज बनाऊं ताकि मुझे आने जाने में, परीक्षा देने में और हर कार्य में आसान हो, मैं अपने से चल सकूँ, साइकिल पर ही चलूँ लेकिन अपने से चल सकूँ। तो वही मैंने एक भैया को देखा था, उनके घर पे सड़ रहा था मोटर रिक्शा, तो उन्हीं से मैं लिया। फेंका हुआ मोटर पड़ रहा था, पानी में सड़ रहा था। जी पानी में सड़ रहा था, केवल मोटर सही था। तो हमको दौड़ा मन था कि शायद मोटर ठीक है या नहीं, फिर भी मैं उनको ले आया, और वही साइकिल भी, ये भी सड़ रहा था, साइकिल भी फेंका हुआ था, मोटर भी फेंका हुआ था, और दोनों को आप कबाड़ी से खरीद लिए। ये गांव पर सड़ रहा था, एक भतीजी लगती उनके। अच्छा। ये भी सर्व शिक्षा अभियान का दिया हुआ सरकार का, तो ये भी सड़ रहा था, तो मैंने इसको भी लिया, मोटर को भी, और मैंने ये बिल्डिंग ये सब करा के अंत में स्टाइपन जो मिलता है आईटीआई का, उसी से मैं एक्साइड बैटिक लिया हूँ दो पीस, और एक इसमें डाला और एक इसमें डाला, और इसको मैंने बना दिया। और जब मैं बनाया तो मुझे बहुत खुश हुआ, और मैं सोचा कि पब्लिक के लिए भी ये बनाऊंगा। तो पब्लिक विश्वास नहीं करती थी, मैं उनको प्राइस सुनाता था, तो मेरा मन थोड़ा छोटा हो गया कि छोड़ो, मैं अपने लिए बनाया, बहुत है, शायद सरकार को भी हम पर नजर आएगा तो एक दिन जरूर हम बनाएंगे और पब्लिक को भी देंगे। जब आपने पहली बार इस साइकिल के असेंबल किया, चालू हो गया, तब कैसा लगा? बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी। मैं सोचा कि उस दिन मैं सोचता था कि मैं कष्ट में हूँ, लेकिन आज मैं बहुत मैंने आराम से चल पाऊंगा। चलिए, इस साइकिल का आपने आविष्कार किया, घर की अभी स्थिति क्या है? अभी घर की स्थिति तो अभी कमजोर है, लेकिन फिर भी अच्छा ही है, लेकिन मैंने किसी तरह घर चल रहा है, किसी तरह घर चल रहा है, किसी तरह घर चल रहा है। बात करें इस फीचर की, एक बार दिखाइएगा, इसमें लाइट है, सिटी, एक बार लाइट जला कर दिखाइएगा। ये हॉर्न है। अच्छा, एक बार फीचर दिखाइएगा, इसमें पूरा फंक्शन की एक बार समझिए कि इसमें कौन कौन चीज क्या है। ये लाइट है, ये हॉर्न है, और ये तो चाबी है। अच्छा, ये क्या है? ये वाला क्या है? ये है फुल अप बैटरी है अभी। अच्छा, फुल बैटरी ऑफ करा, चार्ज डाउन होगा तो इधर की ओर रेड की ओर बढ़ेगा, रेड की ओर बढ़ेगा, घट जाएगा, यानी ग्रीन हो जो रेड होते जाएगा। अभी फुल है, और इधर होते रेड, येलो रेड होते जाएगा। अच्छा, ये थ्रोटल है? ये थ्रोटल है, इसको एक्सीलेटर हम लोग कहते हैं, लेकिन पार्ट पुर्जा के हिसाब से ये थ्रोटल नाम है। चलिए, यही क्या उसका आदमी, क्या है ये वाला? ये इसमें कंट्रोलर है, क्योंकि बार अच्छा नहीं लगता था, इसको मैंने हाउस वायरिंग का काम करता हूँ तो बोर्ड के अंदर डाल दिया हूँ। और ये जो बॉक्स बना है पूरा जुगाड़ू से बना हुआ है। अच्छा, इसमें कितने एम्पियर का बैटरी डाले हुए हैं? 30 एम्पियर का इसमें बैटरी है, एक्साइड का 30 एम्पियर है, 30 एम्पियर दोनों? जी दोनों 30 एम्पियर की। जी, अच्छा, और देखिए एसिड बैटरी है, एसिड जी। ये पूरा जुगाड़ किया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, और नीचे देखिए पूरा बेल्डिंग किया हुआ है पैर रखने के लिए। अच्छा, पैर रखने के लिए भी यहाँ पर पैर रखाएगा। उसका देख पीछे आइए, पीछे देखते हैं। अच्छा, पीछे ये मोटर हो गया जी,
देखिए पीछे ये हब मोटर है। हाँ जी, इसी को मैं यहाँ एडजस्ट किया हूँ। ये सब नट बोल्ट है जो इसको दिमाग लगा लगा मैंने स्टैंड भी सेट किया हूँ। स्टैंड नहीं आता था। स्टैंड नहीं, और जब ये सेट किए तो स्टैंड नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको क्लिप द्वारा इसको एडजस्ट किया हूँ दिमाग लगा। देखिए उसके बाद में यहाँ से वायर निकला हुआ है, वायर निकल कर और उसमें कंट्रोलर में गया, कंट्रोलर में गया है जी। कंट्रोल हो के इंसुलेटर में गया है और इंसुलेटर से चाबी और चाबी से पूरा फैल। जब ये साइकिल का आविष्कार किए तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? परेशानियां तो पहले तो पैसा का परेशानी था, पैसा नहीं था मेरे पास तो कैसे बनेगा। तो मैंने एक एक सामान जुगाड़ करते करते पैसा भी जुगाड़ किया और अंत में पैसा जब सरकार की ओर से मिला, खाता में आया, तो वही निकाल के एक साइड बैटिक लिया और इसमें सेट किया। अच्छा, बात करें इसकी स्पीड की, स्पीड कितना दे रहा है अभी? स्पीड अभी 25 का स्पीड है। 25 का स्पीड। और माइलेज? माइलेज वही एक घंटा में 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर यानी फुल चार्ज रहेगा तो? जी 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल जाएगा। और न्यू बैटरी रहने पर? न्यू बैटरी रहने पर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलता है। नया बैटरी रहने पर 40 किलोमीटर जाएगा पूरा स्पीड माने किलोमीटर तक, और उसके बाद डाउन हो जाएगा। चलिए एक बार थोड़ा चला कर दिखाइए और इस पर बैठ जाइए तो देखते हैं कि कैसे आखिर स्टार्ट होता है। पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए पहले जी। चलिए उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ये ऑन हो गया और एक बार थोड़ा लाइट भी दिखा, लाइट भी जला दीजिए। चलिए लाइट उधर से आप थोड़ा सा, हाँ चलिए उधर से आप धीरे धीरे आइए। देखिए आप धीरे 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 इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है। हाँ उठिएगा, चलिए क्या आगे बढ़ेगा। इसमें सेंसर लगा होता है। अच्छा सेंसर भी लगा हुआ है? हाँ, इसमें अंदर सेंसर लगा रहता है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इंसुलेटर का काम करता है। अच्छा सरकार से क्या सहायता चाहते हैं आप? सरकार से सहायता चाहते हैं कि हमको मैंने मदद करेंगे तो हम पब्लिक तक साइकिल बना के पहुंचा सकते हैं और प्रदूषण पर भी सुरक्षा भी रहेगा। मैंने धुआं पानी जो आदमी का तबीयत खराब होता है धुआं पानी से होता है वो भी बचा रहेगा। आपने आविष्कार किया है, क्या सोचे हैं कि आपके जो आपने जो इसे इलेक्ट्रिक साइकिल का आविष्कार किया है उस साइकिल का ब्रांडिंग हो, कुछ नाम वगैरह सोचे हैं अभी? जी हाँ अभी तो नहीं सोचे लेकिन सोच सकते हैं अभी भी तुरंत, क्योंकि सरकार तब सरकार से जब सहायता मिलेगा तो सोच लेंगे जी। ऐसे अभी निराला के नाम से निराला इलेक्ट्रिक साइकिल जी सोचे हुए हैं, बाकी सरकार अगर कितना मदद करता है उस पर डिपेंड करता जी, है जी जी हाँ। अच्छा आप काम करते क्या करते हैं? मैं हाउस वायरिंग का काम करता हूँ जी, जहानाबाद में ठेकेदार की तरफ से। अच्छा वहाँ भी काम करते हैं, फिर काम करके आते हैं, फिर उसमें टाइम बचाकर इसके लिए भी निकाल कर तब आविष्कार किए जी, चार्ज करते हैं ड्यूटी से जब आते हैं। पहले आविष्कार करने के समय उसमें भी काम करते होंगे, उधर भी काम करना, फिर इधर भी दिमाग लगाना। हाँ, दिमाग लगाना तो दिन में काम करता था और रात में आके दिमाग लगाते, रात भर इसमें मेहनत करते थे जी। और लोगों से भी बात करता था मैं अपने दोस्तों से कि मैं एक साइकिल बनाने जा रहा हूँ उससे मैं आऊंगा और अच्छा चलेगा। अच्छा जिसमें तो, लोग बोलते थे कि साइकिल आप बनाइएगा इलेक्ट्रिक साइकिल बनाइएगा उस समय आप हो सकता कि मजाक की बहुत सारे लोग बहुत मजाक होता था, गांव के लोग भी मजाक करते मजाक उड़ाते थे। हाँ, कि क्या बनाएगा, बना रहा है अच्छा नहीं देखने में है। हाँ, जी लेकिन अब चला रहा हूँ तो मैं सोचा कि मेरा परेशानी है लोग क्या समझेंगे, मेरा परेशानी घटेगा चाहे उसमें मजाक लोग उड़ाए चाहे जो, मेरा परेशानी घटना चाहिए जी। परेशानी घट भी गया जी, परेशानी घट गया। तो अब लोग गाँव के लोग क्या बोलते हैं? अब बहुत अच्छा बोलते हैं, सब लोग कहते हैं कि मुझे ही बनाओ। हाँ, ऐसे करके जी। जो एक वक्त जो व्यक्ति जो मजाक उड़ाता था आज आपको आपको बोल रहे हैं कि आप साइकिल बनाइए। हाँ, बनाइए और थोड़ा और बढ़िया बनाइए क्योंकि हाँ, ये देखने पे ढेर है, मॉडिफाई कीजिए। हाँ, मॉडिफाई कीजिए। हाँ, तो मैं बोला कि उसके लिए पैसा लगेगा लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं था जी, इसलिए मैंने ऐसा बनाया जी। अगर आपको सहायता मिले तो मॉडिफाई करके इससे भी बेहतर आप बना सकते हैं जी। जी जी इससे भी अच्छा बनाऊंगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तेजस्वी सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से चाहते हैं कि मुझे भी मदद करें, जैसे सब लोगों को मदद किए आ रहे हैं उस तरह मुझे भी मदद करेंगे तो मैं भी इलेक्ट्रिक साइकिल बनाऊंगा और मजदूर लोगों को मैं गिफ्ट में तो नहीं लेकिन कुछ शुल्क के द्वारा दूंगा ताकि वो लोग भी अच्छी तरह से
यानी अगर जा सके, अगर साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग अगर मॉडिफाई करके कम से कम 25-30 हजार आता है, सरकार अगर कम से कम 15-20% अगर सब्सिडी दे देता है तो लोगों को भी सहूलियत होगा और आपको भी रोजगार मिल जाएगा। जी जी जी, मेन बात को परेशानी होगी और दूसरा बात है कि रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो सरकार को ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। आप एक बार अपना नाम फिर से बताइए। मेरा नाम विश्वकांत निराला है। विश्वकांत निराला जी है जो यहाँ पर जहानाबाद में है। सरकार को चाहिए कि इनको प्रमोट करे ताकि ये भी इनको रोजगार मिल सके और बिहार के जो ऐसे इंजीनियर है, ऐसे जो युवा आविष्कार कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो उनको सरकार को आगे आना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और बिहार के साथ खासकर जो बड़े बड़े ब्रांडेड है, जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, मिनिमम आज के मार्केट में कम से कम 50-60 हजार कीमत है, लेकिन अगर वही देसी जुगाड़ से बनाया जाता है तो इसकी कीमत सीधी आधी से भी कम हो जाती है। अगर मॉडिफाई भी कर दिया जाता है तो कम से कम आधी जरूर रहेगा। तो ऐसे युवाओं को सरकार को आगे आना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। धन्यवाद।